तो हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, हम लोगों ने देख लिया था, फर्स्ट पेपर हमारा स्टार्ट हो गया था, जनरल करेक्टर हम लोगों ने देख लिए थे पूरे, और क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा फिनिश हो चुका था। आज हम लोग का एक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होने को था जिसका नाम है युगलिना। तो युगलिना के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पर आज है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है युगलिना, और ये प्रोटोजोन्स है, ये पहला ऑर्गेनिज्म है जो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले युगलिना में आपको इसका क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, जो जो कि बीएससी में है। तो बीएससी में आपको एक टर्म्स यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका नाम है सिस्टमेटिक पोजिशन, और इस सिस्टमेटिक पोजीशन को ही हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, जो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है, वो दो नंबर में आपका आता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ, इसका फाइलम जो है वो है प्रोटोजोआ। फाइलम क्या है? प्रोटोजोआ। सब फाइलम की अगर इसको हम बात करें तो सब फाइलम यहां पर है, और आपका सब क्लास की अगर हम लोग बात करें तो सब क्लास आपकी है मस्टिगोफोरा। क्लास अगर हम लोग बात करें तो क्लास है यहां पर फाइटोमस्टिगोफोरा। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर यहां पर आपका आएगा युगलिनोइडिया, युगलिनोइडिया। और जीनस की बात करें, दैट मींस वंश की बात करें, तो जीनस इसका होगा युगलिना। और आपको पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो इंटर में, तो आपको मालूम होगा फर्स्ट ईयर में कि जो भी जीनस या स्पीसीज लिखी जाती है, जीनस या स्पीसीज का नाम दिया जाता है, उसे इटैलिक अक्षरों में लिखा जाता है हैंड रिटन में, और उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। क्लियर? इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया है, ये आपका दो नंबर में आता है, इसको आप याद कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए, बार बार इसको लिखिए, याद हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको जो इसके बारे में याद रखना है, जैसे कि आपको यहां पर समझना है इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म का हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसके बारे में। जैसे पहला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, युगलिना फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला, यानी कि ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है, यानी एक कोशिकीय और इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, दैट मींस प्रोटोजोआ में, फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया, इसीलिए इसको प्रोटोजोन कहते हैं, होता है। यहां पर मैंने टर्म्स यूज किया फ्रेश वाटर। आप कहेंगे सर फ्रेश मतलब साफ पानी है ना, फ्रेश मतलब क्या है, फ्रेश माने सही साफ, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लाइक जो हम पानी पीते हैं उसमें पाया जाता है। अरे नहीं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर कहने का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर हम उसको बोल सकते हैं जिसमें NaOH का कंसेंट्रेशन कम है, नमक जिसमें कम होता है या नमक नहीं होता उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। लेकिन अगर हम नमक की अधिकता अगर देखें है ना, तो वो कहां आपको मिलेगी, मैराइन वाटर में। मैराइन वाटर कहने का मतलब समुद्री जल में, सी वाटर में, मैराइन वाटर या सी वाटर को हम लोग बोलते हैं खारा पानी। तो खारा पानी ना हो, दैट मींस फ्रेश वाटर कहने का मतलब, फ्रेश वाटर कहने का मतलब जैसे कि जो पॉन्ड्स हो गए, झील हो गए, इनके अगर आप पानी को देखें तो ये खारा नहीं है, इसमें NaOH का कंसंट्रेशन कम है या होता ही नहीं है, तो इसमें आपको ये युगलिना देखने को मिल सकता है। अगर आप कहें कि समुद्र में पाया जाए तो समुद्र में ये नहीं पाया जाता है। चलिए सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, या रिवर, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, या रिवर्स कॉमा लैक कॉमा पॉन्ड आदि फ्रेश वाटर में फ्री स्टेट में तैरता रहता है, दैट मींस ये रिवर में, लैक में, पॉन्ड्स में फ्रेश वाटर, ये इसको बोलते हैं, दैट मींस रिवर, लैक, पॉन्ड्स का जो भी पानी होता है, ये फ्रेश वाटर होता है, वो अलग बात है कि वहां पर बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कहने का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जिसमें NaOH कम हो, दैट मींस यहाँ पर जो नमक का कंसेंट्रेशन है वो कम हो या हो ये ना, उसको हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। और इसमें ये क्या होता है, पाया जाता है, और यहाँ पर ये क्या करता है, फ्री स्टेट में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। थर्ड पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, या अत्यधिक सिंप्लेक्स टाइप, दैट मीन सिंपल आप लिखिएगा इसको, या अत्यधिक सिंपल टाइप का प्रोटोजोन होता है जिसकी सेल में क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण, यानी कि इसकी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पाया जाता है, के कारण या प्लांट के समान, प्लांट के जैसा फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपने फूड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जब इसकी सेल में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है प्लांट की तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करेगा, और अपने फूड को ये क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर लेगा। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि युगलिना में प्लांट एंड एनिमल दोनों के समान करेक्टर पाए जाते हैं, यानी कि जो युगलिना ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है, इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के जैसे ही करेक्टर पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल माना जाता है, जिसके कारण से क्या माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। क्यों माना जाता है? आपको पता है कि जो युगलीना है, लाइक मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं, वैसे मेरा डायग्राम अच्छा नहीं रहता, युगलीना है, इस युगलीना में आपको पता है कि कहीं पर क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लाइक मान लो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये प्लांट के जैसा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस शो करता है, और इसके पास में यहां से फ्लैजला अराइज होता है, फ्लैजला, फ्लैजला के पाए जाने के कारण ये मूवमेंट शो करता है, किसको शो करता है, मूवमेंट करता है फ्लैजला, और फ्लैजला में मूवमेंट होता है तो युगलीना क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने में सक्षम होता है। सो हम कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, लोकोमोशन कर रहा है। तो लोकोमोशन कौन कराता है, एनिमल कराता है, फोटोसिंथेसिस कौन कराता है, प्लांट कराता है। तो प्लांट और एनिमल के जैसे यहां पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, लक्षण मिल रहा है, इसीलिए करेक्टर मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, युगलीना की अनेक स्पीसीज वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। यानी कि जो युगलीना है इसकी बहुत सारी स्पीसीज पूरे विश्व के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, जिसमें युगलीना विरिडिस अत्यधिक रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज है। अब इसका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है युगलीना का, वो हमको देखना है, ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ युगलीना। तो सबसे पहली जो यहां पर हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी शेप एंड साइज की। तो युगलीना का क्या शेप है, क्या साइज है, वो यहां पर देख लेते हैं। युगलीना एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है। अरे बाप, रट्टा मार लो यार, बहुत सिंपल है। युगलीना आपको पता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, फ्लैजिलेटेड दैट मींस फ्लैजेला पाया जा रहा है, और एक्चुअल में ये है क्या, ये प्रोटोजोन। तो एक टर्म बन गया आपका, ठीक है। फिर जिसकी बॉडी लगभग 60 माइक्रोन लॉन्ग स्पिंडल शेप होती है, लंबी होगी और स्पिंडल दैट मीन्स तर्क रूपी, स्पिंडल कहने का मतलब होता है यहां पर दोनों एंड पर नुकीला टाइप, हम ये कह सकते हैं स्पिंडल शेप, ठीक है, इस तरीके से स्पिंडल शेप मानी जाती। तो ऊपर की तरफ हम देखते हैं थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, नीचे की तरफ कोनिकल रहता है, लेकिन यहां से फ्लैजिला अराइज होता है। तो हम कह सकते हैं कि 60 माइक्रोन लॉन्ग होती है और स्पिंडल शेप की होती है, तर्क रूपी आकार की होती है। इसका एंटीरियर एंड स्फेरिकल, एंटीरियर एंड कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, तथा पोस्टीरियर एंड थिन एंड कोन शेप का होता है। यानी कि जो इसका पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड नीचे वाला बोला जाता है और एंटीरियर एंड ऊपर वाला यहां पर बोला जा रहा है। तो जो एंटीरियर एंड है वो इसका कैसा है, स्फेरिकल है, गोलाकार आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, और जो पोस्टीरियर एंड है वो पतला है और कोन शेप का है, ठीक है, कोन शेप्ड होता है। इसकी कोशिका का एंटीरियर एंड फ्लैजिलेटेड होता है। जो कोशिका का एंटीरियर एंड होगा वो कैसा होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, दैट मीन्स यहां से फ्लैजिला अराइज होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण युगलीना की सेल सामान्यतः ग्रीन दिखाई देती है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये हमको नॉर्मली ग्रीन कलर की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन वाटर सरफेस पर युगलीना के अत्यधिक रूप से एकत्रित होने पर, यहां पर एक टर्म्स और है, ठीक है, वो इसको बाद में लिखिएगा आप लोग, अगर नोट्स लिख के, नोट्स हैं आपके पास तो लिख लीजिए, यहां पर वो टर्म्स गायब कर दिया है, लिखा नहीं है, यहां पर होना चाहिए था, लेकिन अधिकतर डार्क रीजन में अधिक समय तक युगलीना के पाए जाने पर यह अपने क्लोरोप्लास्ट को नष्ट कर देता है, ठीक है, इतना लिख लीजिए। फिर नई लाइन से लिखिएगा, नई लाइन से ये वाला पोर्शन रहेगा, वाटर सरफेस पर युगलीना के अत्यधिक रूप से एकत्रित होने पर, यानी कि जो बहुत सारा युगलीना एक पॉन्ड्स में पाया जा रहा है और ये जब वाटर सरफेस पर आपको दिखाई तो देता नहीं, ये सारे के सारे युगलीना जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो आपको वाटर सरफेस जो है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है, ठीक है। वाटर सरफेस पर वो जो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो काई जमती है वो नहीं, जो यहां पर ब्रायोफाइट्स एक आता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वाटर के ही ग्रीन की बात कर रहा हूं, वाटर ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो किस कारण हो पाता है, वो इस कारण हो पाता है कि जब यहां पर
युगलीना जो है वो एक साथ क्या हो जाएंगे, वाटर सरफेस पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर हेडिंग रहेगा वो रहेगा इसके बॉडी का पेलिकल, दैट मीन्स इसके आउटर की अगर हम लोग बात करें, आउटर कवरिंग की बात करें, तो वो पेलिकल के फॉर्म में होती है। और वो पेलिकल कैसी होती है, क्या काम होता है इसका, हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है युगलीना की प्रत्येक कोशिका एक थिन कॉमा इलास्टिक वॉल द्वारा कवर्ड रहती है, दैट मीन्स पतली और लचीली भित्ति द्वारा क्या रहती है, ये कवर्ड रहती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, पेलिकल कहते हैं। जो कि यह वॉल यानी यह भित्ति बहुत सारी थिन लेयर, मेनी थिन लेयर्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जिन्हें मायोनीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन्हें मायोनीम्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पेलिकल जो यहां पर बनी हुई है ये बहुत सारी मायोनीम्स के द्वारा मिलकर के बनी हुई है, बहुत सारी मायोनीम्स के मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तथा इसके कॉर्नर एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, यानी कि यहां पर जो इस तरीके से आपको मायोनीम्स की ये जो लेयर यहां पर आप देख रहे हैं दिखाई देगी, तो इसका जो कॉर्नर होगा ये एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। इसका कॉर्नर क्या है, एक दूसरे को यहां पर ओवरलैप कर रहे हैं मायोनीम्स के। ठीक है, जिसके कारण ये जो एक लेयर यहां पर प्रोड्यूस हुई है इसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेलिकल। चलिए थर्ड पॉइंट आपको जो यहां पर समझना है वो है साइटोप्लाज्म। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य इसको हिंदी में कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में क्या लिखेंगे। तो लिखिए यहां पर लिखा हुआ है युगलीना की प्रत्येक कोशिका में पेलिकल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरे रहती है, यानी कि जो पेलिकल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को कहां क्या करके रखती है, चारों ओर से घेरे रहती है, कवर्ड करके रखती है। ठीक है, युगलीना की कोशिका का संपूर्ण साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसमें बाहर पेलिकल की ओर एक्टोप्लाज्म होता है तथा अंदर की ओर एंडोप्लाज्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेलिकल यहां पर कवरिंग पाई जा रही है, इसके अंदर दो टाइप का साइटोप्लाज्म होगा, एक अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म रहता है और दूसरा जो पेलिकल की तरफ साइटोप्लाज्म इस तरीके से एक लेयर के फॉर्म में हम कह सकते हैं अरेंज रहता है। तो बाहर वाला बोला जाता है एक्टो और अंदर वाला बोला जाता है एंडो, दैट मीन्स एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के फॉर्म में क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म यहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यहां पर पाया जा रहा है। एक्टोप्लाज्म में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, देखिए यहां पर लिखा हुआ एक्टोप्लाज्म में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें म्यूसीफेरस टिब्यूल्स कहते हैं, जो कि यह टिब्यूल्स माइक्रोटिब्यूल्स एंड म्यूसिलेज का सेक्रेशन करती हैं। तो एक्टोप्लाज्म में यहां पर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, म्यूसिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। और ये जो म्यूसिफेरस टिब्यूल्स होते हैं ना बेटा, ये माइक्रोटिब्यूल्स और म्यूसिलेज का क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं। म्यूसिलेज एक प्रकार की सेक्रेशन, एक प्रकार का लसलसा पदार्थ होता है जो कि इसके बॉडी से सेक्रीट होता है। अच्छा, ये करता क्या है, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, जो माइक्रोटिब्यूल्स और जो यहां पर म्यूसिलेज है, ये जो म्यूसिलेज है ये इसके बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। और बॉडी क्या है, तो एक कोशिकीय है, दैट मींस यूनिसेलुलर है, एक सेल को ही प्रोटेक्ट करेगा बाहर से। फिर देखिए नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है एंडोप्लाज्म में न्यूक्लियस तथा अदर सेल ऑर्गेनेल्स अरेंज रहते हैं, यानी कि जो एंडोप्लाज्म है इसका, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो न्यूक्लियस है और जो अन्य कोशिकांग हैं वो उपस्थित रहते हैं, तथा इसका एंडोप्लाज्म ग्रेन्यूलर एंड फ्लूइड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, ग्रेन्यूलर होता है, ठीक है, इसमें दानेनुमा रचनाएं हम कह सकते हैं, और फ्लूइड मतलब यहां पर तरल भरा रहता है, ग्रेन्यूलर एंड फ्लूइड टाइप का या फ्लूइड फॉर्म में होता है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, थर्ड हेडिंग हो चुकी है। इसके बाद में एक इसके ही एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम लोगों को एक और पॉइंट देखना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर। तो ये जो रिजर्वायर है ये क्या है, इसके बारे में देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है युगलीना की प्रत्येक कोशिका के अगले सिरे पर एक फ्लास्क लाइक कैविटी पाई जाती है, जिसका इंटरनल पार्ट रिजर्वायर के रूप में होता है। जिसका इंटरनल पार्ट किस फॉर्म में होता है, रिजर्वायर के रूप में होता है। यह कैविटी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी रहती है, जिसे साइटोफेरिंग्स कहते हैं। ये जो कैविटी है ये किसके साथ अटैच रहती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के साथ अटैच रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोफेरिंग्स कहते हैं। तथा बाहर की ओर स्थित ओपनिंग साइटोसोम कहलाता है, जो कोशिका के अगले सिरे पर खुलता है। ठीक है, क्या कहलाता है, साइटोसोम कहलाता है, जो कोशिका के अगले सिरे पर खुलता है। फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट हेडिंग जो आप देखेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में वो है यहां पर
फ्लैजिला, ठीक है, युगलिना का जो फ्लैजिला है इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है आपका लिखने के लिए, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहां पर लिखा हुआ है रिजर्वायर के अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। रिजर्वायर के अंदर कितने फ्लैजिला हैं? दो फ्लैजिला हैं। दैट मींस आपने जब इसका डायग्राम देखा होगा तो युगलिना कुछ इस तरीके से, तो ये जो पोर्शन इस तरीके से आप देखते हैं, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये इसका कहलाता है रिजर्वायर। क्या कहलाता है? रिजर्वायर कहलाता है। और इसके अंदर दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, एक छोटा सा फ्लैजिला यहीं पर निकला होता है। क्लियर? फ्लैजिला यहां पर लिखा हुआ है रिजर्वायर के अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं जो बेसल ग्रेन्यूल तथा ब्लीफेरोप्लास्ट से, जो बेसल ग्रेन्यूल तथा ब्लीफेरोप्लास्ट से प्रोड्यूस होते हैं। किससे प्रोड्यूस होते हैं? ये बेसल ग्रेन्यूल से तथा ब्लीफेरोप्लास्ट, ठीक है, एक संरचना होती है बॉडी के अंदर पाई जाती है युगलिना के, इसी से ये फ्लैजिला क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड होते हैं। नेलाइन से लिखा हुआ प्रत्येक युगलिना की कोशिका में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं जिसमें एक लंबे आकार का फ्लैजिला होता है, ठीक है, जिसमें एक लंबे आकार का फ्लैजिला होता है जिसे साइटोसोम से ये क्या होता है? बाहर निकला होता है। एक लंबे आकार का फ्लैजिला होता है जो साइटोसोम से बाहर निकला रहता है, तथा दूसरा फ्लैजिला शॉर्ट होता है, दैट मींस छोटा होता है, जो रिजर्वायर के अंदर, रिजर्वायर के अंदर की ओर स्थित रहता है। तो मैंने बताया ये जो स्ट्रक्चर यहां पर आप देख रहे हैं, रिजर्वायर जो है, रिजर्वायर का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर ये क्लोज रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोम। तो यहां पर जो लॉन्ग वाला फ्लैजिला है ये साइटोसोम को भेदते हुए बाहर निकल रहा है बॉडी के, ठीक है, और एक जो स्ट्रक्चर यहां पर है शॉर्ट फ्लैजिला, वो रिजर्वायर के अंदर ही पाया जा रहा है, ठीक है। नेलाइन से देखिए यहां पर लिखा हुआ है बड़े फ्लैजिला के आधार के पास एक लेटरल आउटग्रोथ अरेंज रहती है, यानी कि जो लार्ज ये जो फ्लैजिला है इसके बेस के पास में एक लेटरल आउटग्रोथ, ठीक है, अरेंज रहती है जिसे पैरा फ्लैजिलर बॉडी कहते हैं। अब यह पैरा फ्लैजिलर बॉडी फोटो रिसेप्टर का कार्य करता है, दैट मींस जिस एरिया में लाइट आ रही है उस एरिया की तरफ ये युगलिना क्या करेगा? मूवमेंट शो करता है और उधर की तरफ लोकोमोट हो जाता है। क्लियर? रिसेप्टर का कार्य करता है तथा इसके द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लॉन्ग फ्लैजिला के कारण युगलिना की सेल को लोकोमोशन करने में सहायता मिलती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इसने कहीं एक ऐसे रीजन भी ये है जहां पर डार्क थोड़ा सा है, अंधेरा है, और इसके पास में पैरा फ्लैजिलर बॉडी पाई जा रही है, तो जिस साइड पर लाइट पड़ रही होगी उस साइड की तरफ क्या करेगा ये? मतलब लाइट को अट्रैक्ट करता है, कहने का मतलब क्या है? लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा और उसकी तरफ ये क्या करेगा? मूवमेंट करना शो करेगा और लाइट में जाकर के, ये प्रकाश में जाकर के, सनलाइट में जाकर के फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करके अपने फूड को बना लेता है, ठीक है। और ये जाता किसके कारण है? ये जाता है युगलिना के फ्लैजिला के कारण। और फ्लैजिला कौन सा वाला? लॉन्ग वाला फ्लैजिला, ठीक है। तो यही लिखा है लॉन्ग फ्लैजिला के कारण युगलिना की सेल को लोकोमोशन करने में सहायता मिलती है, अतः इसे लोकोमोटरी फ्लैजिला कहते हैं। तो जो लॉन्ग वाला फ्लैजिला इसको लोकोमोटरी फ्लैजिला कहते हैं, और जो शॉर्ट वाला फ्लैजिला उसको शॉर्ट फ्लैजिला कहते हैं। ये लोकोमोशन में सहायता करता है। युगलिना की प्रत्येक फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर एक फिलामेंट के द्वारा प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो युगलिना है इसका जो प्रत्येक फ्लैजिला है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंट के द्वारा निर्मित होता है, दैट मींस धागे के द्वारा निर्मित होता है। फिलामेंट कहने का मतलब होता है धागा। इसके द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है, जिसमें फाइबर पेयर्स, यानी कि जो फाइबर्स हैं, यानी कि जो फिलामेंट्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट है, इनका जो पेयर है वो 9+2 का रहता है। 9+2 का अरेंजमेंट रहता है, इसको याद रखिएगा। युगलिना का जो फ्लैजिला होता है उसके फ्लैजिला में जो अरेंजमेंट होता है, फाइबर पेयर्स जो अरेंजमेंट रहते हैं वो 9+2 के फॉर्म में रहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है वो अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं। 9+2 में अरेंज रहते हैं या होते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पूरा फिलामेंट एक कवरिंग द्वारा कवर्ड रहता है। एक कवरिंग के थ्रू क्या होता है? कवर्ड रहता है 9+2 का अरेंजमेंट, और इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जा रही है जिसे सीथ, इस जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग क्या नाम दिए? सीथ कहते हैं। इस सीथ की सरफेस से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज रहते हैं, यानी कि पहले तो 9+2 का जो अरेंजमेंट यहां पर है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो सीथ पाया जा रहा है, अब इसके ऊपर भी बहुत सारा छोटा 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा? इस सीथ की सरफेस से हेयर लाइक स्ट्रक्चर अरेंज रहते हैं या पर अरेंज रहते हैं, जिन्हें मस्टिगोनिम्स, जिन्हें क्या कहते हैं? मस्टिगोनिम्स कहते हैं,
ठीक है। इस फिलामेंट फाइबर में दो फाइबर सेंटर की ओर, यानी कि यहां पर जो दो फिलामेंट है वो कहां होंगे, सेंटर की ओर होंगे, तथा बाकी के नौ फाइबर इसके चारों तरफ, बाकी के नौ फाइबर इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज के रूप में अरेंज रहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब जिस तरीके से क्लॉक हमारी घूमती है उधर ना घूम करके, घड़ी, क्लॉक मींस घड़ी, घूमती उधर की तरफ ना ये मूव करके इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ ना मूव करके इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। तो इस तरीके से यहां पर जो नाइन फिलामेंट्स हैं, इन दो फिलामेंट्स को चारों तरफ से क्या करे रखते हैं बेटा, घेरे रहते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ, लिखा हुआ इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में स्थित रहते हैं, ठीक है। अब जरा हम इसके फिलामेंट का या हम इसके फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देख ले, तो ये स्ट्रक्चर यहां पर फ्लैजेला का कट सेक्शन बना हुआ है, इसमें नौ जो है फिलामेंट्स यहां पर अरेंज किए गए हैं, लाइक देखिए पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवा, ये नौ जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट सबको क्या कर रहा है, ये जो दो फिलामेंट जो आपके बीच में है, दो फिलामेंट बीच में है, इन दो फिलामेंट को ये नौ फिलामेंट चारों तरफ से क्या करके रखता है, घेर के रखता है, ठीक है। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यहां पर ये, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यहां पर ये क्या कर रहा है, अरेंजमेंट शो कर रहा है, इस तरीके से यहां पर ये फ्लैजेला अरेंज रहता है लाइक दिस, ठीक है, नाइन फ्लैजेला। लेकिन दो फ्लैजेला कहां रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। अभी जो दो फ्लैजेला है इन नौ फ्लैजेला के, इन नौ फ्लैजेला से अटैच रहते हैं, जैसे कि यहां पर ये जो नाइन जो आउटर फाइबर्स यहां पर देखिए, यहां पर जो आउटर फाइबर्स ये डबलेट है, आउटर फाइबर्स यहां कहा गया डबलेट है, और ये जो नाइन फाइबर्स यहां पर अटैच है बाहर की तरफ, ये एक दूसरे से नेक्सिन ब्रिज को प्रोड्यूस करते हैं, नेक्सिन ब्रिज के थ्रू ये हमको दिखाई देते हैं, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर हमको यहां पर शो होता है, और सेंट्रल में जो फाइबर रहता है इससे ये क्या करा रहता है, अटैच रहता है, सेंट्रल में जो फाइबर है इससे ये ब्रिज अटैच रहता है, क्लियर। और ये जो ब्रिज अटैच है, जिसके थ्रू अटैच है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल लिंक, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल लिंक। और ये जो रेडियल लिंक है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कुछ उभारनुमा रचना, या हम ये कह सकते हैं एक सॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल लिंक हेड, ये हेड होता है इसका, और ये जो हेड है ये कनेक्ट रहता है इन सभी से, कि जो अब देखिए बहुत बड़ा रोल है यहां पर, जो सेंट्रल वाले जो दो फ्लैजेला हैं, सॉरी सेंट्रल वाले जो दो फिलामेंट हैं, यही मूवमेंट शो कराते हैं पूरे बॉडी में। जब ये मूवमेंट शो करेगा, जब ये रोटेट करेगा, तो ये जो नाइन फ्लैजेला इसके चारों तरफ अरेंज हैं, ये भी रोटेट करेंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेगा, जिससे जो युगलीना होगा, अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि पानी के अंदर कोई चीज अगर इस तरीके से रोटेट कर रही तेजी से, तो जाहिर सी बात है जिसके लिए ये रोटेट कर रही है उसका जो बॉडी होगा वो आगे की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। आप लोगों को और अच्छा अगर मूवमेंट देखना है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए किस तरीके से युगलीना मूवमेंट शो करता है, उसमें आपको 3D डायग्राम में आपको दिखाई देगा, बहुत अच्छे से वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप ये देखें कि जो ये जो नाइन फाइबर्स यहां पर टू फाइबर्स अरेंजमेंट है, दैट मीन्स यहां पर नाइन प्लस टू फाइबर का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक कवरिंग रहती है, तो जो नाइन फाइबर्स की तरफ चारों तरफ जो कवरिंग रहती है, इसको हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ये एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, सीथ, ठीक है, मेम्ब्रेन जो होगी इसको हम लोग सीथ बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग आउटर सीथ या आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखें कि जो दो फाइबर अंदर की तरफ, ये जो दो फाइबर अंदर की तरफ जो अरेंज है, इसके तरफ भी चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल सीथ। तो बाहर की तरफ जो पाई जा रही है इसको हम लोग बोल रहे हैं आउटर सीथ, और जो अंदर की तरफ पाई जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सीथ। तो ये एक तरीके का फ्लैजेलर अरेंजमेंट है इन युगलीना। तो इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट और सरल डायग्राम है, जो कि फ्लैजेला के ऊपर आपका जब शॉर्ट नोट आए तो फ्लैजेला की थ्योरी प्लस डायग्राम आप जब बना देंगे तो एग्जामिनर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके नंबर काटे, और लिखा होना जरूरी है, ठीक है, लिखा हो, डायग्राम बनाओ, साफ साफ लिखा है तो जितने नंबर का भी क्वेश्चन होगा, तीन या चार नंबर के आते हैं, दो या तीन नंबर के आते हैं, तो आपको पूरे नंबर वहां पर मिलेंगे, किसी प्रकार का नंबर नहीं कटेगा। चलिए और देखिए यहां पर फिर इसके बाद में हम लोग अगर इसे साइटोप्लाज्म की तरफ एंट्री करते हैं तो उसमें एक चीज हमको देखने को मिलती है जिसका नाम है न्यूक्लियस, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है, युगलीना की प्रत्येक सेल यूनि न्यूक्लिएट होती है, दैट मींस एक केंद्रीय होती, एक केंद्रकीय होती है, ठीक है। एक केंद्रकीय कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है,
इसके साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में एक बड़े आकार का गोलाकार दैट मींस स्फेरिकल या राउंडेड न्यूक्लियस कोशिका के पिछले दैट मींस पोस्टीरियर एंड पर स्थित रहता है। यानी कि जो इसका सेल है, यही जो सेल है इसका जो पोस्टीरियर एंड है, इस पोस्टीरियर एंड पर ही एक बड़े आकार का गोलाकार ठोस संरचना यहां पर आपको ब्लैक स्पॉट लाइक दिखाई देती है, दिखाई देगी, जिसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, जिसके अंदर एक न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर अरेंज रहते हैं। यानी कि इस कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियोलस रहेगा, इस कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है और यहां पर क्रोमेटिन फाइबर लाइक दिस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पूरा मिलाकर के ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। ये क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, जिसमें क्या क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जा रहा है और इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स दैट मींस क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। इन सभी को मिलाकर के हम इसको ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे और ट्रू न्यूक्लियस जहां पर होता है, जिस सेल में होता है उसको, उस सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल, सत्य प्रकार की कोशिका। चलिए ये न्यूक्लियस की बात हो गई। अब इसके बाद में यहां पर एक और हेडिंग बनती है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस है ये क्या है, इसके बारे में देख लीजिए और यही सब आपके एग्जाम में लिखने को भी आएगा, ठीक है। तो मैं थ्योरी यहां पर आपको इजी तरीके से दे रहा हूं, याद करना आपका काम है। कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि युग्लिना के सेल में रिजर्वायर के या रिजर्वायर में लेटरल साइड पर, कहां पर, लेटरल साइड पर एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जिसके चारों ओर अनेक छोटी छोटी अन्य वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। इन पूरी संरचनाओं को मिलाकर इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस कहते हैं। इन सारी संरचनाओं को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस कहा जाता है या कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर वाटर को तथा इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल को कोशिका से बाहर निकालना होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सेल के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है और इसके साथ साथ जो इसके कोशिका के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई है बेटा, ठीक है, उसके दौरान जो यहां पर वेस्ट मटेरियल बना है उसे और एक्सेस वाटर को ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकाल देती है। और निकालेगी कैसे, ये जो आप देख रहे हैं युग्लिना का जो बॉडी रहता है, मान लो ये इसका मेम्ब्रेन है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल और एक्सेस वाटर यहां पर आया हुआ है, तो ये क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है, ये जो युग्लिना का मेम्ब्रेन है, इससे अटैच हो जाएगी, जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद में यहां पर ये इतना पोर्शन बस्ट हो जाएगा, इस तरीके से जुड़ेगी और ये वाला पोर्शन बस्ट हो जाएगा और यहां से क्या होगा, जितना भी मटेरियल है वो बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। जिस क्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, जिस क्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। सातवां यहां पर लास्ट पॉइंट जो है इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से, वो आपको याद रखना है, इसके बॉडी से आपको याद रखना है, स्टिग्मा, या इसी को हम लोग बोलते हैं आई स्पॉट। स्टिग्मा कहो या आई स्पॉट कहो, बात एक ही है, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इस पे भी थ्योरी आती है आपकी, एक शॉर्ट नोट आ सकता है इस पे भी, तो आपको लिखना क्या है उसमें, लिखिएगा रिजर्वायर के लेटरल सरफेस पर कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस के अपोजिट डायरेक्शन में एक डिस्क के समान, एक डिस्क लाइक संरचना, स्ट्रक्चर दैट मीन समान संरचना अरेंज रहती है, जो लिपिड प्लेट तथा रेड पिगमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होती है। जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, लिपिड प्लेट्स, ठीक है, लिपिड प्लेट्स के द्वारा तथा रेड पिगमेंट जो इसमें पाया जा रहा है उसके द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस होती है, जिसे जिसे स्टिग्मा या आई स्पॉट कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कार्य दैट मींस मेन फंक्शन, पेरा फ्लैजलर बॉडी के सिमिलर होता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराने में सहायता करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराने में क्या करता है, सहायता करता है, स्टिग्मा या आई स्पॉट। अब आई स्पॉट के द्वारा आप समझ ही गए होंगे कि यार इसका आई नाम है, आई क्या है, लाइट को अट्रैक्ट करेगा, आई देखता है, विजन करता है, लेकिन यहां पर आई एक्चुअल में होती नहीं बल्कि यहां पर स्पॉट होता है, आई लाइक स्पॉट है, ठीक है, आंख के जैसी संरचना पाई जा रही है, आंख नहीं है, लेकिन ये इसका काम क्या है, ये बिल्कुल पैराफ्लैजलर बॉडी जिस तरीके से लाइट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उसी तरीके से ये भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लाइट को, क्लियर। नलाइन से देखिए यहां पर लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में कुछ
अन्य संरचनाएं लाइक क्लोरोप्लास्ट और पैरामाइलॉन बॉडी तथा अदर सेल ऑर्गेनल्स आदि भी पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी, ये देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी ये क्या है, पिगमेंट है भैया, पिगमेंट है जो कि किसमें हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है, फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। और ये पिगमेंट कहां पाया जाएगा सर, क्लोरोप्लास्ट में। छोटी छोटी बातें आप पूछ रहे हैं, हाँ भैया छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बात बनती है। चलिए तो हमने यहां पर क्या देखा, इनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के फॉर्म में ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सहायता करता है ना। इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल, अब जाहिर सी बात है जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी बेटा तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, आपका फूड बनेगा, तो यहां पर जो फूड रहेगा उसको स्टोर्ड किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि फूड बना लिए, अब मान लो कि दूसरे दिन धूप ही नहीं निकली तो फिर ये क्या करेगा, तो जो इसके पास में स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसका यूज करेगा। तो जो फूड स्टोर्ड रहता है वो यहां पर पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रहता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स क्या है, ये स्टोर्ड फूड मटेरियल है किसके अंदर, युग्लिना के बॉडी के अंदर, तो पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है। चलिए ये हमारा रहा स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर युग्लिना का, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए या मैं आपको पीडीएफ में भेज ही दूंगा, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन युग्लिना। तो जो न्यूट्रिशन है युग्लिना का ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट नोट इससे आता है, ठीक है, लिखने के लिए। तो जितना शॉर्ट नोट में लिखने को आता है उतना ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर थ्योरी दिया हुआ है, बस इसको ही आप तैयार कर लीजिए और इसके बारे में ही समझ लेंगे तो काफी कुछ आपको आ जाएगा। तो देखिए इसमें थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है युग्लिना में नॉर्मली दैट मीन सामान्यता टू टाइप से न्यूट्रिशन, यानी दो प्रकार से न्यूट्रिशन या पोषण का मेथड पाया जाता है, यानी कि जो युग्लिना है इसके अंदर दो प्रकार के न्यूट्रिशन का मेथड क्या होता है पाया जाता है, जिन्हें ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक, ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तथा दूसरा जो न्यूट्रिशन टाइप है वो कौन सा है, सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहां पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या है और सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दो टाइप का न्यूट्रिशन आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में लिखने को आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सामान्यतः युग्लिना की कोशिका में होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है। होलोजोइक कहने का मतलब ये डिपेंड नहीं है, यहां पर ये बात समझो, ये जो टर्म लिखा हुआ है सामान्यतः युग्लिना की कोशिका में होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है। आप यहां पर एक चीज देखें, होलोफिटिक न्यूट्रिशन तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि होलोफिटिक न्यूट्रिशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं है। होलो कहने का मतलब ही होता है होल्ड, ठीक है, और फिटिक कहने का मतलब प्लांट की तरह, यानी कि ये प्लांट्स की तरह अपने आप को क्या कर सकता है, प्लांट की तरह अपने आप ये न्यूट्रिशन ले तो सकता है, ठीक है, प्लांट की तरह अपना न्यूट्रिशन बना सकता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा और ये क्या करेगा अपने फूड को बना लेगा, ऑब्टेन कर लेगा, क्लियर। तो ये होल्ड हो गया, प्लांट की तरह ही बना रहा है, लेकिन यहां पर देखिए होलोजोइक दैट मींस ये एनिमल की तरह अपने भोजन को ऑब्टेन लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकता। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है लाइक जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो उस पीरियड में ये जो महाशय हैं युग्लिना जो शहाब हैं ये क्या करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन सो तो करेगा लेकिन उसकी तरह से ही आप ये कहें कि न्यूट्रिशन करता ही रहे तो नहीं करता है, ठीक है, तो ये होल्ड नहीं है। तो यहां पर क्या हमको दो ही टाइप का न्यूट्रिशन देखना है, एक ऑटोट्रॉफिक या इसी को हम लोग बोलते हैं होलोफिटिक, दूसरा न्यूट्रिशन हमारा है सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक। सेप्रोफिटिक सेप्रोजोइक कहने का मतलब क्या है ये सब आगे देखते हैं। तो पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन, इसका कहने का मतलब क्या है समझिए। देखिए ऑटो माने यहां पर होता है स्वयं खुद, ऑन ट्रॉफिक कहने का मतलब है फूड का फॉर्मेशन कराना, फोटोसिंथेसिस कराना, ठीक है, दैट मींस जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड का न्यूट्रिशन खुद बना ले उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। सर क्या ह्यूमन बींग्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ह्यूमन बींग्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करता है। सर क्यों नहीं करता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले तो आपके पास में क्लोरोफिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल प्लस इसके साथ साथ आपके पास में होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास में होना चाहिए वाटर,
सर क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? अरे प्लांट से तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आपके बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं, अगर आपके बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाता तो हम सब ना गोरे होते, ना काले होते, ना सांवले होते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे अंदर जो पिगमेंट पाया जा रहा है वो एक अलग टाइप का है, ठीक है। मेलेनिन पिगमेंट होता है हमारे बॉडी के कलर को प्रोड्यूस कराने के लिए। बाकी यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल अगर है तो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी क्या होगी बेटा? होगी। और यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा, वो कहलाएगा ग्लूकोज, और यही हमको चाहिए होता है एक्चुअल में। यही तो हमको खाने के लिए चाहिए होता है भाई, जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसमें हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है ना? तो ग्लूकोज हमें प्रोवाइड होता है, लेकिन हम ग्लूकोज कैसे लेते हैं? हम ग्लूकोज लेते हैं प्लांट्स को या एनिमल्स को खा करके। सर एनिमल्स को? हाँ यार, खाते हैं बहुत सारे लोग। तो प्लांट्स को या एनिमल्स को खा करके हम उसका डाइजेशन करते हैं, और लास्ट प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज ही बनता है, जिससे हम लोग एनर्जी ऑब्टेंड करते हैं। लेकिन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को स्टोर किया जा रहा है किसके द्वारा? किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, क्लोरोफिल हो, सनलाइट हो। दैट मीन्स सनलाइट भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट होगी दिन के समय, क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, और यहां पर ये वाला पोर्शन बना दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12O6। और इस C6H12O6 को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तोड़ते हैं, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। याद आ रहा है कंपटीशन वाले? C6H12O6 को हम लोग बर्न करते हैं, तोड़ते हैं सेल के अंदर, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और हमको यहां से मिलता है एनर्जी। और कितना मिलता है? 273, 273 किलो कैलोरी एक ग्लूकोज पार्टिकल के टूटने पर हमको एनर्जी, दैट मीन्स ATP प्राप्त होती है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक समझ में आया? ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब ये हो गया, ऑटोट्रॉफिक ऐसा न्यूट्रिशन, दैट मींस जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा, सॉरी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप अपने न्यूट्रिशन को बना ले। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ऑटोट्रॉफिक, या इसको हम लोग बोलते हैं होलोफिटिक। होलो क्यों कह रहे हैं? होलो कहने का मतलब ये हुआ होल्ड, और फिटिक कहने का मतलब यहां पर प्लांट से लिया जा रहा है। प्लांट की तरीके से ये क्या करेगा? अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेंड करेगा। लाइक प्लांट इसी मेथड के थ्रू क्या करते हैं? अपने फूड को बनाते हैं, ठीक है, अपने भोजन का निर्माण इस तरीके से करते हैं। क्लियर? यहां पर लिखा हुआ है युगलीना में न्यूट्रिशन का मेन मेथड, यानी कि युगलीना में जो न्यूट्रिशन हो रहा है उसका मुख्य मेथड, जो मुख्य क्रिया विधि है वो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म में होता है, ठीक है, या होती है। तो मुख्यतः जो युगलीना में न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक फॉर्म में ही होगा। यह ग्रीन प्लांट के सिमिलर, देखिए लिखा हुआ है, यह ग्रीन प्लांट के सिमिलर, सिमिलर मतलब उसके जैसा न्यूट्रिशन की क्रिया को करते हैं। क्लियर? जिसमें युगलीना की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, दैट मींस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपने फूड को स्वयं निर्मित कर लेता है। इस प्रोसेस में बनने वाले, देखिए नीलांश लिखा हुआ, इस प्रोसेस में बनने वाले फूड मटेरियल को कोशिका के अंदर, दैट मीन सेल के अंदर पैरामाइलॉन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, युगलीना के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होगा? तो आप कहेंगे सर पैरामाइलॉन बॉडी, ये आपका ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन तैयार हो गया, अंदर पैरामाइलॉन बॉडी के फॉर्म में स्टोर्ड किया जाता है। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने बता दिया। यहाँ पर क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहाँ पर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और रूट से वाटर आएगा, ठीक है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी आती है, एक्टिव हो जाएगा, और जो क्लोरोफिल होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइंड करके बना देगा C6H12O6, दैट मींस ग्लूकोज बना देगा। और जो ग्लूकोज है बेटा, बहुत सारा ग्लूकोज बनता रहेगा और बॉडी के अंदर, युगलीना के बॉडी के अंदर पैरामाइलॉन बॉडी के फॉर्म में स्टोर्ड कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद में सेकेंड हेडिंग जो हमारी है वो है सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखिए सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक कहने का मतलब क्या है? देखिए सेप्रो का मतलब ही अगर कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब होता है डेड। डेड मतलब मरा हुआ, मृतोप है ना, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेंड करना। तो यहां पर सेप्रो है, और फिटिक का मतलब यहां पर दिया गया है प्लांट से, ठीक है। यानी कि जो प्लांट डेड कर जाता है, कहां डेड करता है? वाटर के अंदर ही डेड करता है, ठीक है। जो प्लांट वाटर के अंदर डेड कर जाता है
उनसे ये क्या करेगा, युग्लिना अपने पोषण को ऑप्टेंड कर लेता है। ठीक है, युग्लिना क्या करेगा, अपने न्यूट्रिशन को ऑप्टेंड कर लेता है किससे, मरे हुए पौधों से, डेड या डिकम्पोज, हम ये कह सकते हैं डेड या डिकम्पोज प्लांट से ये क्या करता है, अपने फूड को ले लेता है। कैसे लेगा भाई साहब, समझ नहीं आ रहा सर। तो देखिए यहां पर क्या करेगा, युग्लिना के पास में कुछ ऐसा स्पेसिफिक हम ये कह सकते हैं एंजाइम रहता है। मान लो यहां पर कोई ये फूड पार्टिकल है जो कि मान लो ये प्लांट का ही कोई पार्ट है, प्लांट का एक पार्ट यहां पर ये टूटा हुआ पड़ा है। युग्लिना आया, मान लो ये युग्लिना है, बल्कि युग्लिना इस तरीके से होता है लाइक ये युग्लिना है। युग्लिना के पास में यहां पर कुछ एंजाइम्स भरा हुआ है, ये एंजाइम क्या करेगा, सेल के बाहर इस मटेरियल पर इसके ऊपर छोड़ देगा। दैट मींस सेल यहां पर क्या करेगी, एक्सोसाइटोसिस करेगी। कोशिका के अंदर से जो एंजाइम है वो कहां छोड़ दिए जाएंगे, इस पार्टिकल के ऊपर छोड़े जाएंगे। और ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो प्लांट का पार्ट था इसको डाइजेस्ट करके छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाएगा, लाइक प्रोटीन्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स इसमें टूट जाएगा। अब युग्लिना क्या करेगा, रिजर्वॉयर की सहायता से, रिजर्वॉयर की सहायता से इस डाइजेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पीनोसाइटोसिस। दैट मींस सेल क्या कर रही है, पी रही है पानी। पीनो को हम यहां पर ले सकते हैं पानी से, अपनी भाषा में यार पीनो को हम कह सकते हैं पानी से। और साइटोसिस कहने का मतलब सेल, कोशिका जो है पानी पी रही है। क्यों पानी क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको याद रखिए। तो लिक्विड फॉर्म में किसी चीज को अगर सेल एब्जॉर्ब करे तो उस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और सेल के बाहर में यदि कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बताओ भाई, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। दैट मीन सेल को, सेल के बाहर यहां पर कोई भी चीज भेजी जा रही है ड्रॉप्स के फॉर्म में। और क्या यहां से निकल रहा है, यहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ साथ एंजाइम्स को भी क्या किया जाता है, किसी फूड मटेरियल पर डाला जाता है। तो ये हो गया सेप्रोफिटिक। सेप्रोजोइक कहने का मतलब क्या है, सेप्रो मींस डेड, जोइक का जो टर्म यहां पर लिया गया है वो लिया गया है एनिमल से। अब डेफिनेटली आपको पता है कि वाटर के अंदर एनिमल्स भी क्या करते हैं, डेड करते हैं। अब उन डेड एनिमल से क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन अपना ऑब्टेन कर लेगा कौन, युग्लिना। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू जो अभी मैंने आपको समझाया पिनोसाइटोसिस में। अभी आगे आपको बताता हूं क्या होता है पिनोसाइटोसिस। तो देखिए यहां पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है इसके बारे में, वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है युग्लिना की सेल लंबे समय तक डार्क रीजन में रहने पर इसके क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैंने बताया था युग्लिना अगर लंबे समय तक डार्क रीजन में रहे, जैसे तथा यह युग्लिना कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, ये जो युग्लिना होंगे ये कलरलेस हो जाते हैं। इस प्रकार की कोशिका सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जीने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन को करती है, जिसमें यह सेल, इसमें जो कोशिका है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को प्राप्त कर लेती है। यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो जब डेड करेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, तो उसको ये क्या करेगी, हल्का सा डाइजेस्ट करेगी और पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस से उसका प्रोटीन, लिपिड, ये सब जो है अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कर लेती है और ये सर्वाइव कर पाती है। तो हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन जो होता है युग्लिना में दो तरीके से हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर एक स्टार बना करके पॉइंट लिखा हुआ है पिनोसाइटोसिस लाइक, और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है एक्सोसाइटोसिस, तो पिनोसाइटोसिस कहने का मतलब क्या है, देखिए पिनोसाइटोसिस कहने का यहां पर मतलब है कि युग्लिना की कुछ स्पीसीज में अनफेवरेबल कंडीशन, लाइक जब इसका क्या हो जाए, क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, तब इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटीन तथा अदर फूड पार्टिकल को रिजर्वॉयर की सहायता से लिक्विड ड्रॉप्स, इसको याद रखिएगा, लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में, रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है, तथा ऐसे न्यूट्रिशन को पिनेकोसाइटोसिस कहते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइटोसिस कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो पिनेकोसाइटोसिस कहने का मतलब क्या है, यहां पर पिन हो रहा है, अंदर की तरफ इंटर कर रहा है कौन, लिक्विड फॉर्म, और सेल के अंदर जा रहा है। तो साइटोसिस कहने का मतलब यहां पर हो गया क्या, ऐसे न्यूट्रिशन को पिनेकोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, आप दोनों लिख लीजिए, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर, तो जो छूट गया छूट जाना था। चलो
तो हम लोग देख रहे हैं युगलिनॉइड मूवमेंट। अब ये युगलिनॉइड मूवमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए युगलिना की अब स्टार्ट हो गई बेटा, ठीक है, अब डोंट वरी स्टार्ट हो गई है। युगलिना के सेल में इस प्रकार का लोकोमोशन, इसकी पेलिकल मेम्ब्रेन, इसका जो पेलिकल है उसमें जो इसका जो पेलिकल मेम्ब्रेन है उसमें होता है। तो हम ये देखें इस युगलिना की सेल में इस प्रकार का लोकोमोशन इसकी पेलिकल मेम्ब्रेन में होने वाले लगातार कॉन्ट्रेक्शन के कारण होता है। कॉन्ट्रेक्शन कहने का मतलब आपको पता है कोई चीज सिकुड़ रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रेक्शन के कारण होता है। कॉन्ट्रेक्शन के कारण युगलिना किसी सरफेस पर रेंगने वाले, जो रिंगनिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी तरह रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म के सिमिलर मूवमेंट करता है। जो रिंगलिंग करते हैं, रेंगते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी तरह ही ये क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। नेलन से देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस प्रकार के लोकोमोशन में युगलिना की कोशिका सबसे पहले एंटीरियर एंड पर छोटी अथवा चौड़ी हो जाती है। यानी कि जो इसका एंटीरियर एंड है, ये वाला एंड, तो देखो इस एंड पे क्या हो रहा है, ये इसमें देखो चेंजेस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और यहां पर ये बिल्कुल जुड़ा होगा और ये सेल है ये क्या हो गया, चौड़ी हो गई। तो जो एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड पर छोटी अथवा चौड़ी हो जाती है, जिसके पश्चात या जिसके बाद यह चेंजेस कोशिका के मध्य भाग तथा पोस्टीरियर एंड पर होता है। तो पहले क्या होगा, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप को, जब इसका फ्लैजला नहीं होगा, यहां पर फ्लैजला इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, फ्लैजला मत बनाइएगा, ठीक है, फ्लैजला काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसको बॉडी से पेलिकल से करना है, तो इसका पेलिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ, और यहां पर देखो धीरे धीरे यहां पर ये इसका साइज बढ़ा, और फिर इसके मिडिल पोर्शन में ये देखो काफी चौड़ी हो गई, ठीक है, और एट द एंड क्या हो गया, यहां पर ये और भी ज्यादा चौड़ा हो गया है इसका पोर्शन, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, पश्चात चेंजेस सेल के मध्य भाग तथा पोस्टीरियर एंड पर होता है, ठीक है, पोस्टीरियर एंड पर भी चेंजेस होगा, पोस्टीरियर एंड पर चेंजेस हो गया। फिर क्या होगा, युगलिना में इस टाइप का लोकोमोशन मेटाबॉलिक लोकोमोशन भी कहलाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक लोकोमोशन कहते हैं। युगलिना में कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों प्रकार का मूवमेंट शो होता है, यानी कि जो युगलिना है, जो कंडीशन जैसी भी होंगी, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल कंडीशन है, उसके थ्रू ये क्या होता है, मूवमेंट शो करता है। तो हम अगर फ्लैजुलर मूवमेंट की बात करें, फ्लैजुलरी मूवमेंट की बात करें, तो ये एक टाइप का हम कह सकते हैं फेवरेबल मूवमेंट है। लेकिन अगर हम फ्लैजुला के बिना, दैट मींस युगलिनॉइड मूवमेंट की बात करें, तो ये एक अनफेवरेबल मूवमेंट कहा जाएगा। जब पानी की कमी होगी, फ्लैजुला काम नहीं करेगा, और युगलिना को फूड चाहिए ही चाहिए है, तो युगलिना फिर युगलिनॉइड मूवमेंट को शो करता है, जिसमें बॉडी के थ्रू क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए इस प्लेस पर ये बैठा हुआ है, जब ये अपने आप को सिकोड़ेगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, और फिर ये यहां पे अपने आप को रिलैक्स करेगा, फिर ये सिकोड़ेगा, फिर यहां पर रिलैक्स करेगा, सिकोड़ेगा रिलैक्स करेगा, सिकोड़ेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स, इस तरीके से करते 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 ये एक डायरेक्शन में आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जीने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, ये कुछ भी करेगा, स्ट्रगल कर रहा है। तो जब इवोल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर एक पॉइंट आता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना। तो जीने के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। क्या स्ट्रगल कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, किस लिए, ये मेरा पैशन है। दूसरा, जीने के लिए भी, आप मुझे जो मनी देंगे उससे मैं अपना क्या करूंगा, खाने पीने की चीजें लाऊंगा। वैसा तो है नहीं कि मनी आप देंगे तो मनी को देख देख करके हम जी जाएंगे, ऐसा नहीं है। मनी जो है उससे हम ऐसी चीजें खरीदेंगे जिससे हम अपना पेट भर सकें, एनर्जी ले सकें और आपको अच्छा सा पढ़ा सकें, ये तो बात है। तभी तो पैसा लेता है टीचर भाई, इतनी अगर जो मेहनत कर रहा है टीचर, वो आपको पढ़ा रहा है, तो वो पैसा अगर लेता है तो उसके पीछे कारण यही है, और बाकी पैसा लेने का कारण नहीं है, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी जब 60-70 हजार रुपया देती है, और पढ़ाते क्या है टीचर, आप सभी लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो क्या पढ़ाते हैं, आप सब जानते हैं, और पैसा उनको मिलता है इतना महंगा, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। कुछ की हम बात कर रहे हैं, कुछ की नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं वाकई में पढ़ाते हैं विद्यालय में, और वो काम करते हैं वहां पर, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी कर रहा हूँ जो सिर्फ घर पे पड़े पड़े खाते हैं और हराम का लेते हैं। आप लोगों ने काफी न्यूज भी सुनी होगी कि इतने टीचर फर्जी पकड़े गए, इतने टीचर ऐसे पकड़े गए, 11-11 साल हो गए, पेमेंट ले रहे हैं 60,000-70,000 रुपया महीना उनको जा रहा है, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, टीचर लगा दिया है, बीएसए से संपर्क कर लिए हैं और उका कर दिए, उसको 5,000-10,000 रुपया महीना दे दिए, बाकी 35,000-40,000 अपना खुद बचा रहे हैं। तो ये धांधली चलता है शिक्षा में, ये नहीं होना चाहिए। यदि आपको टीचर बनाया गया है तो बाकी में आप पढ़ाइए, आप पैसा किस बात का लेते हैं। और जो प्राइवेट टीचर होता है वो बहुत मेहनत करता है, लाइक हम लोग,
ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग होते हैं वो पढ़ाने वो इसको नहीं पकड़ते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को, क्यों? क्योंकि उनको पता है यार गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, बच्चा नहीं आता है, या वो खुद इतना मठूस हो जाता है जब इतना ज्यादा उसको पैसा मिलने लगता है वो नहीं पढ़ाता है। लेकिन प्राइवेटली क्या होते हैं, जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं आपने देखा होगा, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं, वो कहते नहीं मुझे इसी समाज को इसी में रह करके इसी में काम करना और अच्छी शिक्षा को अच्छे बच्चों तक वितरित करना है। वो अलग बात है, मोटा पैसा है, अच्छा पैसा है, आता है वहां पर, अब आपको लेकिन शिक्षा भी तो मिल रही है अच्छी। तो ये चीजें प्राइवेटेड कोचिंगों की होती है, तो मुझे भी आप प्राइवेट ही समझिए, बिकॉज मैं कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकर नहीं हूं, मैं एक प्राइवेट बंदा ही हूं और अपना खुद का पढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो इतना बेटा समझ में आया, मूवमेंट हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने क्या देख लिया, इसका न्यूट्रिशन। तो युगलीना का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है, और युगलीना का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है वो भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल का मतलब मंडे को जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हमारा रहेगा रिप्रोडक्शन इन युगलीना। तो युगलीना को फिनिश करने के बाद में हम लोग बॉटनी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर?